Hi friends, welcome back to Food Diaries। तो चलिए झटपट से देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो आज हम मिलकर बनाएंगे चीकू शेक। उसके लिए हमें ना तो गैस की ज़रूरत है ना ही ज़्यादा सामान चाहिए। हमें कुछ चीकू चाहिए और वनीला आइसक्रीम और थोड़ा सा दूध, जो सामान आपको घर में ही मिल जाएगा। तो चलिए झटपट से देखते हैं ये बनाना कितना आसान है और मैंने क्या क्या लिया है इसके लिए। तो देखिए, ये मैंने 4 से 5 चीकू लेकर उनको पील करके इस तरीके के रफली पीसेस में कट कर लिया है, और करीब 2 चीकू लेकर उससे भी छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इससे हम गार्निश करेंगे। और थोड़ी ये मैंने शुगर लेकर इसको ग्राइंड कर लिया है, और कुछ पिस्ता और बादाम को मैंने कतरन कर लिया है, और ये 1 गिलास हमने दूध ले लिया है। तो इसके लिए हमें एक मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो चीकू हमने कट किए थे, इनको हम जार में डाल रहे हैं। ये हम जार में डाल रहे हैं। थोड़ी सी हम शुगर डालेंगे, करीब 1 स्पून हम शुगर डाल रहे हैं पाउडर, और हम 1 गिलास दूध डाल रहे हैं, और इसका लिड लगा देंगे हम। अब इसको चर्न कर लेंगे हम। तो देखिए, 1 से 2 बार तक हमने इसको चर्न कर लिया। अब लिड खोलकर हम इसमें आइसक्रीम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये वनीला आइसक्रीम का 2 स्कूप ऐड करेंगे इसमें हम, और एक बार और इसको चर्न करेंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो हमने एक टम्बलर ले लिया है। टम्बलर में हम नीचे भी थोड़ी सी आइसक्रीम डालेंगे। तो ये जो चीकू हमने मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड किया था, अब इसके ऊपर जाएगा, और थोड़ा सा टम्बलर हमें खाली रखना है क्योंकि हम ऊपर भी आइसक्रीम डालने वाले हैं। तो ये 1 स्कूप हम ऊपर भी डालने वाले हैं। चलिए इसको गार्निश करते हैं। ये हमने छोटे छोटे पीसेस चीकू के काटे थे, तो ये उसके ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा हम इस पे पिस्ता डालेंगे। पिस्ता और बादाम की कतरन से हम इसको गार्निश करेंगे। तो लीजिए, ये हमारा चीकू शेक विथ वनीला आइसक्रीम रेडी हो गया है। तो आप भी बनाएं, कितना इजी है बनाना, और एंजॉय करें। तो इस तरीके से आप सर्व करें, ऊपर से स्पून से आइसक्रीम खाते जाएं, चीकू के पीसेस आएंगे मुंह में, बहुत अच्छा लगेगा, और साथ में पीते जाएं। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ।